हेलो फ्रेंड, फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने बेसन का लड्डू बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनी है। तो इसकी पूरी वीडियो आप फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छी से एक कॉमेंट कर दीजिए हमारे इस रेसिपी पे। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की लड्डू। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 पाव बेसन लिया है। आपको जितने लड्डू बनानी है उस हिसाब से लीजिए। तो अगर कप से नापे तो ये 2 कप बेसन है। तो 2 कप बेसन में हमें 1 कप घी चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड कि 2 कप में, 2 कप अगर बेसन है तो 1 कप घी लीजिए। और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे 1½ कप चीनी का यूज की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ऑलरेडी मैंने कढ़ाई में घी को डाल के रखा है। घी को गर्म होने देंगे। घी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये लड्डू बनाना भी बहुत ही इजी और आराम से बन जाएगा। कोई झंझट नहीं, इसमें तार और चाशनी बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी कमेंट्स जो आती है पढ़ के मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। घी मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन को। जो बेसन हमने लिया है इसे डाल दूंगी। और ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब बेसन को भूने तो इस समय गैस की फ्लेम लो रखे। लो फ्लेम पे आराम से इसे चलाते हुए भून ले। ये अभी आपको लग रहा होगा घी बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनेगा, और जब भून, सबसे अच्छी टिप्स आपको मैं देना चाहूंगी इसमें कि जैसे जैसे आप बेसन को भूनोगे ना, अभी इस तरह से आपको ड्राई ड्राई सा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बेसन भून जाएगा ये खुद से अपना जो घी है, इसका जो हमने घी को डाला है बेसन में, वो धीरे धीरे वो खुद से वो घी जो है रिलीज होने लगेगा और वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे चलाते हुए एकदम गैस की फ्लेम को लो रखिए और इस तरह से दबाते हुए बेसन को अच्छे से भून लीजिए। इसे भूनने में कम से कम 5 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको, आराम से, हो सकता है ज्यादा भी लगे। तो इस तरह से आराम से दबाते हुए बेसन को अच्छे से भून के रेडी करनी है। आपको खुद लगेगा कि ये बेसन भून चुका है, इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी और काफी अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। और दूसरी बात तो मैंने बता दिया आपको कि ये थोड़ा सा घी जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए हमें भून करके रेडी करना है। तो मिलते हैं भून के 5 मिनट बाद। तो इसे भूनते हुए देख सकते हैं 5 मिनट्स हो गया है और ये काफी फ्लफी सा हो गया है। और ये देख सकते हैं कि घी जो है रिलीज करना चालू कर दिया है, तभी तो ये इतना गीला हो गया। मैंने एक्स्ट्रा घी और नहीं डाली हूँ, जो प्रिपरेशन आपको मैंने बताया उतना ही घी में मैं इसे भूनते हुए एकदम ही लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनी हूँ और काफी देर तक भूना है। अब मैं यहाँ पे एक अच्छा सा टिप्स देना चाहूंगी और ये बहुत अच्छा सा टिप्स है, आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो क्या करना है हमें कि इसमें अभी जब भूनते हुए इतना टाइम हो गया और काफी अच्छा सा ये घी जो है इस तरह से छोड़ने लगा, अब मैं यहाँ पे लूंगी 2 से 3 चम्मच पानी। इसे पानी को डाल दूंगी और इसे कंटिन्यू हमें भूनना है। इससे क्या होगा कि जो बेसन का लड्डू जो बनाओगे आप, जैसे मार्केट में आपको कैसे दानेदार जो मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और अभी हम गैस की फ्लेम को हम कर दिए हैं बंद।
फिर भी ये अभी इतना गरम है कि आप इसे दबा दबा करके इस तरह से थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने से जो पानी हमने डाला है वो पूरे में अच्छे से इक्वली बढ़िया सा फैल जाएगा, और देखेंगे बाद में कि ये फिर अच्छा सा भून के रेडी हो जाएगा। तो पानी जो है सूख गया, अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हमने तो बंद कर दिया है पहले ही, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो अच्छे से एग्जॉर्ब कर लिया, सूख गया। अब हम इसको क्या करना है हमें कि थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। बस ये इतना अच्छा ये लड्डू बनेगा फ्रेंड, कि आप भी जो लोग नए हैं वो भी अगर मेरी पूरी वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे तो उनके यहाँ भी अच्छी सी लड्डू बन करके, बेसन की लड्डू बन करके रेडी हो जाएगी। आप मार्केट से नहीं लाओगे, इतनी अच्छी ये लड्डू बनेगी। तो इसी तरह से मैं इसे ठंडा होने दूंगी, इसको नीचे उतार देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं क्या करूंगी कि जब तक ये ठंडा होगा तब तक इसे ठंडा होने के लिए रहने देते हैं। बीच में थोड़ा सा एक आध बार नहीं होगा तो चला दीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत कर दे। कलर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप इसे एक बार हिला जरूर दीजिएगा, चला दीजिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक। अब ये जो चीनी लिया है हमने, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके ले सकते हैं। तो इस स्टेज पे चीनी को डाल दूंगी पीसने के लिए। चीनी थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम कर देती हूँ चीनी को, और इसे पीस करके पाउडर बना करके रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू सारे कुछ है। तो इसे डाल दूंगी, ये ऑलरेडी अभी बहुत गर्म है बेसन, तो इस स्टेज पे अगर गर्म में डालेंगे तो आपको अलग से ड्राई फ्रूट्स को भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने लिया है इलायची पाउडर, इसे भी डाल देंगे। ये है चिरौंजी, चिरौंजी को भी डाल देंगे, लड्डू में चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है। तो इसे डालने के बाद इसी स्टेज पे हम इसे मिक्स कर देंगे। ये ऑलरेडी बहुत गर्म है अभी बेसन, तो मिक्स करके इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक क्या करते हैं कि जो चीनी है उसे पीस करके रेडी कर लेंगे, और ये भी हमारा ठंडा हो जाएगा। इतना ठंडा करना है कि आप इसे आराम से हाथ लगा सके, टच कर सके, हल्का गुनगुना सा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ठंडा होने के बाद मिलते हैं और पीस कर भी लेके आते हैं। तो ये एकदम हल्का सा गुनगुना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब हमने यहाँ पे चीनी को भी अच्छा सा पाउडर फॉर्म में इस तरह से पीस करके रख ली हूँ, बहुत अच्छे से पिस गया चीनी, इसमें ऐड कर दूंगी चीनी को, और इसे अच्छे से हाथ से देर तक मसल मसल करके पूरे चीनी को मिक्स कर लेना है। टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से इस तरह से मसलते जाइए और मिक्स करते जाइए, इससे चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अब एक बाइंडिंग के तरह आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी और काफी टेस्टी ये लड्डू बनती है फ्रेंड। अभी आपको इस तरह से बुड़बुड़ा लग रहा है ना, लेकिन जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा तो एकदम बहुत ही अच्छा सा बाइंडिंग आ जाएगी इसके। तो हमें मिक्स करना है, इसे मिक्स करने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइमिंग लगेगा। तो इसी तरह से आराम से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मसलते हुए देख सकते हैं कि अच्छा सा टाइम हो गया अच्छे से। यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूंगी आपको, बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि अगर गरम में आप चीनी को ऐड कीजिएगा तो चीनी जो है मेल्ट होना चालू हो जाएगा बेसन की गर्मी और जो हीट गरम रहेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से थोड़ा सा एकदम हल्का गुनगुना होना चाहिए बेसन, और उसके बाद चीनी को ऐड कीजिए। तो ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग होना चालू हो गया। तो आपको जितनी बड़ी लड्डू बनानी है उस हिसाब से आप
इसे आराम से बैठ के इस तरह से लड्डू को बांध लीजिए। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छी लड्डू बनती है। इसे बनाना तो आप देख रहे हैं कितना आराम से और कोई टेंशन नहीं, एकदम ही झंझट नहीं होता बनाने में। तो यहाँ पे हमने कुछ किशमिश लिए हैं और काजू के दाने ली हूँ, तो आपको अगर जो लगाना है इस पे आप इस तरह से चिपका दीजिए और हल्के हाथों थोड़ा सा दबाते हुए इसे बना लीजिए। ये लड्डू बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, इसे जरूर आप भी ट्राई कीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें पूरे लड्डू को बना करके रेडी कर लेते हैं। देखने में लग रहा है ना काफी टेस्टी और यमी ये लड्डू, तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए कि आप मेरी वीडियो फ्रेंड्स कहाँ से देखते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स दिल से एक लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, अच्छी सी कमेंट कर दिया कीजिए मेरी वीडियो पे। तो इसी तरह हम सारे लड्डुओं को बना करके रेडी कर लेते हैं। सारे लड्डू को बना करके फिर मिलते हैं आपसे। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लड्डू बनकर के रेडी हो गई, काफी टेस्टी और अच्छी लड्डू बनी है ना। तो इसकी पूरी वीडियो जरूर फॉलो कीजिएगा, तब भी ये लड्डू इस तरह से काफी टेस्टी और अच्छी लड्डू बनेगी। दो तरह से हमने बना दिया, एक में किशमिश लगाई और एक में हमने काजू लगाया। यहाँ पे आप अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ये लड्डू हमारी रेडी हो गई। तो इसकी पूरी वीडियो जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे हमने और भी बहुत सारे स्वीट्स बनाए हुए हैं, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक लड्डू को तोड़ के दिखाऊंगी कितना अच्छा ये, वाव कितना अच्छा ये लड्डू बनकर रेडी हो गया ना, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी लड्डू बन गई। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और हमें अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो फ्रेंड तो एक अच्छी सी कमेंट हमारी रेसिपी पे जरूर कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो पे अच्छी सी एक कमेंट कर दीजिए। अगर बुरी लगती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई, मैं उस चीज को जरूर पूरा करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।